गुरु प्यारे हो, गुरु सवारे हो, गुरु की गोरदा आनंद मान रहे गुरु सवारे सत संगी जनों, बेनती है जी वीडियो नू पूरा जरूर वेखियो ते कमेंटा में जाके वाहगुरु जरूर लिखियो ते वीडियो नू शेयर भी जरूर करियो। जिहड़ी बेनती मैं तुहाडे नाल करन जा रहा हाँ प्यारियो, उस बेनती नू आरंभण तो पहले बुलाओ फतेह आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारियो गुरसिख नू प्रशादा छकाउण दा की फल मिलता है। भाई गुरदास जी दियां वारां विच आपां साफ जिक्र पढ़ते हाँ कि इहदा जिहड़ा फल है वह बयान नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि फल कोई बहुत वड्डा ते अनमोल है। प्यारे वो कई तरह के फल होंदे ने। एक बेनती मैं तुहाडे नाल जिहड़ी करन जा रहा हाँ वह बेनती यह वे कि राजा बिक्रमाजीत सिंह अज तो 2000 साल पहला उन्हें राज किया ते उन्हां दे राज नूं सत युग दा राज भी मन्या जांदा है। प्यारे हो ताश कंत तो लैके उन्हां दा राज चलदा सी। अफगानिस्तान होर वगैरा वगैरा जिन्नियां भी जगह सन उन्हां दा पूरा राज कायम सी। उन्हां ने यह हुक्म किया होया सी कि मेरे राज विच कोई भी चोर नहीं है। हुक्म यह भी नाल कीता कि कोई व्यापारी अपनी दुकान नूं ताला ना लावे और कोई अपने घर नूं ताला ला के ना रखे। जिहड़ियां भी कीमती वस्तुआं ने जिथे पईआं ने उत्थे पईआं रहण, भाव उन्हां नूं कोई चोरी नहीं करेगा। कि उहदा मतलब यह सी कि कोई चोर नहीं है, सारे ईमानदारी नाल जिउंदे ने। उन्हां दा मतलब यह सी कि जे ताला लाऊंगे तो यह प्रतीत हुंदा है कि इन्हां नूं राज सत्ता ते सरकार उपर बैठे बंदियां ते विश्वास नहीं है। उन्हां दे राज विच कोई कलाल खाना नहीं सी। कलाल खाना कहिंदे ने शराब पीण वाली जगह। कोई भी वेशवा द्वारा जा कह लिए कोई गलत अजिहा स्थान नहीं सी। सारे कर्मों धर्मां वाले इंसान उन्हां दे राज विच वसदे सन। उन साध संगत मन विच एक दिन फुरना बनिया कि अपनी राज सत्ता वेख के कि मैं अजिहा किहड़ा फल कीता है, किहड़ा पुन कीता है कि मैनूं अजिहा राज चैन और अजिही सत्ता वाला जीवन मिलिया है। इहो जिहा मैं जीवन भोग रहा जिहदे विच मेरे कोले सब कुछ है, क्योंकि चारे पासे प्रशंसा हो रही है, हर कोई सुखी है। इस चीज़ नूं वेख के उहदे मन दे विच ख्याल जिहा आउंदा है। जिहड़ा अमन चैन वाला राज सी वह राज नूं वह चंगी तरह जानना चाहुंदा सी कि मैं अजिहा किहड़ा कर्म कीता है जिहदे करके मैनूं यह प्राप्त होया है। प्यारे वो 150 साल उस राजे बिक्रमाजीत की उम्र मनी जाती है जदों राजे छल नाल उहदा युद्ध होया सी। खैर रहो विचार, एक दिन की हुंदा है वो अपने सारे राजजोशियां नूं अहलकारां नूं दरबारियां नूं बुला लैंदा है। हुण जिहड़े राजजोशी सी उहनां नूं कहण लग्गिया कि दसो मैं अजिहा किहड़ा कर्म कीता है जिदे करके मैनू अमन चैन वाला राज प्राप्त होया है। हुण बड़ा हिसाब किताब उन्हां राजजोशियां ने किया पर किसी प्रकार का कोई भी सिट्टा ना निकलिया। हुण राजे ने नाल ही यह हदायत भी कर दिती, वह कहिंदा जेकर तुसी ना दस सके तां मैं तुहानू बणदी सज़ा देंगा, तुहाडे ते कारवाई कीती जाएगी। हुण प्यारे वो पूरे 6 दिन बतीत हो चुके ने। राजजोशी का चेहरा उतर गया, नमोशी मन विच पै गई। हुण राजजोशी की जिहड़ी धी सी वह पुछदी है कि पिता जी की हो गया, तुसीं बड़े उदास दिस रहे हो। जे गल तुहाडे मन विच है तां किसी नूं दस देईदी है, किसी तों सलाह लै देईदी है। जेकर तुसीं किसी नूं नहीं दसना चाहुंदे तां दीवार दे अग्गे खलो के ही अपनी गल दा जिक्र करो, जिहन करो तां तुहाडे मन नूं कोई तसल्ली मिले
तो असी अपने मन दे नाल कोई ना कोई किसी प्रकार का रह मशवरा जरूर करो। जे कोई नहीं सलाह देने वाला तो दीवार नूं ही अपना सलाहिया मन लो, उसे तो सलाह ले लो, क्योंकि हर एक काम सलाह लेके करना चाहिदा है। प्यारे हुण राज जोशी कहन लग्या, धीए मैनू आ वार्तालाप राजे विक्रमाजीत नाल मेरी होई है ते मैनू इस सवाल का जवाब नहीं आया। हुण उहदी धी ने जदों सारी पिथिया सुनी वो कहिंदी, ये तुसी मैनू पहला दस दिंदे, ये सवाल का जवाब तो मैं दे दिंदी। राज जोशी थोड़ा जिहा हौसले विच होया, कहिंदी जा कह दिओ राजे नूं कि इहदा जवाब मेरी धी तुहानूं देवेगी। हुण साध संगत दूसरे दिन दीवान सजिया, पूरा ऐन पूरी शानो शौकत दे नाल राजे दा दरबार सजिया है। ते राज जोशी आया ते कहिंदा, राजा जी इस सवाल दा जवाब मेरी धी देवेगी। हुण ओह बच्ची सजे दरबार दे विच आउंदी है ते ओह आके कहिंदी है, उस धी ने ओह जोशी दी धी ने आण के प्रणाम कीती ते राजे नूं कहन लगी, राजा जी मैं तुहानू दस ते देवांगी पर तुहानू समझ नहीं आना, तुहानू समझण दे लई थोड़ी जी खेचल करनी पएगी। ओह धी कहिंदी, थोड़ी जी खेचल करो, इत्थों 30 मील दूर कुछ महात्मा रहिंदे ने जो घोल के सवा पींदे ने, उन्हां दे कोले चले जाओ, ओह तुहाडे प्रश्न का जवाब देणगे। ओ महात्मा कोल राजा जा पहुंचया, वो कहिंदे इह सवाल का जवाब तो तैनू दे दीए पर तैनू यकीन नहीं आना, इत्थों कुछ कु मील ते एक होर साधु महात्मा बैठे ने जो अंग्यार खांदे ने, उत्थे जा, इह सवाल का जवाब उत्थों मिलेगा। हुण राजा उन्हां कोल जांदा है, वह जाके उन्होंने बेनती करता है, पुछदा है, वह कहिंदे तैनू दस ते दीए पर तैनू यकीन नहीं आना। राजा कहिंदा, नहीं महात्मा जी मैनू दसना करो। उहनों महात्मा कहन लगे, कहिंदे तेरे सवाल का जवाब एक बच्चे ने देना है, जिहड़ा बच्चा कल नूं जन्मेगा वह तेरे सवाल का जवाब देवेगा। फलाने पिंड दे विच उहने जन्म लेना है ते कुछ घड़ियां उहने जिउणा है, वह बार बार जमदा ते फिर मरदा, वह चाहुंदा है भी तू जाके उसनूं मिले, इस करके उन्हों सारा पता टिकाणा राजे नूं साधु ने दस दिता है। जिमें साधु ने दसिया, साध संगत वो दूसरे दिन पते टिकाने ते राजा पहुँच गया। ज्यों ही बच्चे ने जन्म लिया ते विक्रमाजीत कोल उस बच्चे नूं लिआंदा गया, बच्चा थोड़ा जिहा खिल खिला के हसया, देखो परमात्मा दे रंग ने। हुण वो बच्चे नूं ज्यों ही गोद विच राजे ने लिया ते वह अपना सवाल पूछण लग्या ते बच्चा उसनों बोल के कहण लग्या, कहिंदा वह सवा घोल के पीण वाला साधु ते अंग्यार खाण वाला साधु, मैं ते तू पिछले जन्म विच कट्ठे चारों रल के भगती करते सां, आपां चारों रल के तप करते सी, साडी भगती तो प्रसन्न हो के विष्णु ने सानू कसवट्टी दे के परखना चाहिया कि कौन कच्चा है ते कौन पक्का है। फिर कहिंदा एक दिन कसवट्टी दा दिन आया, कहिंदा पहला आपां नूं दो रोटियां जिहड़ियां दो रोटियां प्रशादे छकण नूं मिलदे सन, कहिंदा उह लड़की आपां नूं चार पहला उह महात्मा कोल आए, दो रोटियां आपां नूं लड़की लिया के दिंदी हुंदी सी, उह लड़की अजकल उह है जो वजीर दी लड़की है, ये अपने लिए 8 रोटियां लेके आउंदी सी, जिदे विचों आपां दो वंड लैंदे सी। भगवान अतिथि दे रूप विच कह लिए एक मेहमान दे रूप दे विच अपने कोल आए ते कहन लगे, मैं बड़ा भुखा हाँ, मैनू रोटी खवा दिओ। पहले महात्मा तो रोटी मंगी, उन्हें अद्धी दे दित्ती, फिर अद्धी दे दित्ती, फिर उन्हें मंगी अद्धी भी दे दित्ती, जदों अखीरली अद्धी रोटी मंगी तो वह कहिंदा, मैं सारियां तीनों खवा दियां, मैं सवा घोल के पीवांगा। वह कहन लगे तथास्तु। हुण उस तो बाद दूसरे महात्मा ने पूछया, उसने भी इसे तरह किया, वह कहिंदा मैं अंग्यार खावांगा, तो उन्होंने भी उस तरह कह दिता।
फिर किंदे तीसरे नंबर ते मेरी वारी आई ते मैं भी इसे तरह कीता। जदों उन्होंने अखीरली अद्धी रोटी मंगी ते मैं कहा मैं भुखा मरांगा ते वो कहिंदे तथास्तु। इसे तरह उन्हां तिन्नां नाल होया। हुण देखो बच्चा उस राजे नूं सारी पिछली विद्या दस रहा है। फिर किंदे वो तेरे कोल आए तू अपने दोवें प्रसादे खुशी खुशी दे दिते। कहिंदे तू हसी 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 उन्हां दी सेवा कीती तू उन्हां दी मन ला के सेवा कीती ते तू ये भी कहा कि महाराज जे होर चाहीदियां ने मैं होर लैके आवां। फिर तैनू असली रूप विच उन्होंने दर्शन दिते। कहिंदे फिर तैनू ये जिहड़ा भारत वर्ष का राज भाग मिलिया ना ये तैनू प्रसन्न हो के वो परमात्मा ने आप बख्शिया है। ये दो जिहड़े प्रसादे तू छकाए ना जिहड़ी सेवा भावना विखाई वो तो प्रसन्न हो के तेनू परमात्मा ने यह सारा कुछ राज भाग दिता है। जदों उन्होंने तेनू असली रूप में दर्शन दिते तो सानू पता लग्या कि भगवान ने असी उन्हां अगे बेनती की कि साड़ी जिहड़ी मुक्ति है वह कदों होगी। फिर भगवान ने कहा कि तुहाडा श्राप उस दिन मुक्त होगा जिस दिन मैं राजा विक्रमाजीत नूं प्रेरांगा। ये पूछेगा मैं एडा किड़ा पुन कीता है कि मैनू एडा राज भाग प्राप्त होया है। उस वेले तेरे कोलों पूछेगा जन्म समय उस दिन तुहाडे सारयां दे शरीर मुक्त हो जाणगे ते तुसी बैकुंठ धाम विच जा वसोंगे। दो प्रसादे छकाउण दे बदले तैनू एडा राज भाग मिलिया है। भाई गुरदास जी पता की जिक्र करदे ने गुरसिख मुख पवाए ना लेख लिखाया। विक्रमाजीत नूं ते राज भाग मिल गया। कहिंदे जिहड़ा मनुख साधु महात्मा नूं प्रसादा छका दिंदा है सो भाई उहदा लेखा ही नहीं है कि किन्ना कु फल बन जाता है। धरती दे टलाए जोई फल पाया धरती च कोई भी बीज बीजो ते वह फल मिलदा जरूर है। तुसी धरती दे विच कुठली बीज दिओ अंब दा पेड़ उगेगा। कणक दा दाना बीज दिओ वह भी पुंगर आएगी। गुरसिख मुख समाए बीजे बाज ना खाए सा धरत जमाया। सो भाई जिहड़ा बीजदा ही नहीं वह खाएगा की। सो भाई अजिहा फल इहो जिहा बीज बीजिया करो हर रोज़ अजिही किरत करिया करो। मैं कहना हुंदा कि लोड़वंदा की सेवा करिया करो जेकर अपने हाथ विच है शुक्र करो कि परमात्मा ने आपां देण जोगे बनाया मंगण जोगे नहीं। दूसरियां नूं वेख के गुजारा करना सिखो साध संगत। चंगा फल बीजिया करो ते चंगा उहदा फल अगे जाके आपां नूं जरूर मिले। किसी नूं वेखो लोड़वंद नूं प्रशादा जरूर छका दिया करो। बाजारां आदिक दे विच मंगण वालियां नूं मैं नहीं कहिंदा कि तुसीं पैसे दिओ हाँ उन्होंने प्रशादा जरूर छका दो। प्यारे अपने घर में कोई आता है तो उन्होंने दुरकारो ना उन्होंने आखो उन्होंने प्रशादा बैठ के प्यार जरूर छकाया करो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा कर मेहर कर इन को बेनतियां प्रवान करनिया। साध संगत इस वीडियो वध तो वध अगे शेयर जरूर करो। रिश्तेदारां साख संबंधियां तक अपने दोस्त मित्रां दे नाल इसकी सांझ जरूर पायो। लाइक जरूर करो। वाहिगुरु वाहिगुरु कमेंटां विच जरूर लिखना करो। मेरा सतगुरु नानक चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लवो। इन्हीं को बेनतियां प्रवान करनियां। भुल चुक लई खिमा जी आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।